2 जून से जेल में बंद बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा को जमानत मिल गई है। बिजली कटौती के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान बिजली अधिकारी को बंधक बनाने के आरोप में यशवंत सिन्हा को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 2 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सात हजार का बेल बॉन्ड फर्निश हुआ है, मतलब कि देना पड़ेगा बेल बॉन्ड, और आज इनका बेल हो चुका है और शाम तक उनका बेल निकल बेल बॉन्ड भरा जाएगा और आज निकल जाएंगे। कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी यशवंत सिन्हा से मिलने जेल गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि यशवंत को अब जेल से बाहर आ जाना चाहिए और शासन के माध्यम से जनता की सेवा करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव गृह दीपक सिंघल को हटाए जाने के मुद्दे पर कहा कि दीपक सिंघल को हटाकर सरकार उनकी जगह दागी अधिकारी को लेकर आई है। कल से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जिसको देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। विधानसभा का सत्र 18 जुलाई तक चलेगा। 20 जून को बजट पेश किया जाएगा, जबकि 24, 25 और 26 जून को बजट पर चर्चा होगी। बैठक में कल से विधानसभा का जो सत्र शुरू हो रहा है, इसके कार्यक्रम के बारे में सर्वसम्मत राय तय हुई है। कल ये सत्र प्रारंभ होगा। 20 तारीख को 12:20 पर बजट प्रस्तुत किया जाएगा और उसके अगले सप्ताह में सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक 23, 24, 25, 26 में बजट पर सामान्य चर्चा होगी और उसके बाद ऑल पार्टी मीट के बाद बीएसपी ने विधानसभा सत्र को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में गुंडा राज है, रेप हत्या और लूट की वारदातें बढ़ रही हैं, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, राज्य में बिजली समस्या और गन्ना किसानों के भुगतान की समस्याएं। आज पूरा प्रदेश अंधेरे में है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे भी बिजली मिलना मुश्किल हो गया है। जब उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की हालात है तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश की बदहाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में जेडीयू का समर्थन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम आपको बता दें, नीतीश ने लालू से समर्थन मांगा था। बिहार के मोकोमा में मेकरा चेक के पास घरेलू गैस से लदा ट्रक नेशनल हाईवे के किनारे अनियंत्रित होकर चाय की दुकान में जा घुसा। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक बड़ा फैसला लेते हुए सीएम अखिलेश यादव ने यूपी के मनोरंजन कर राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे को मंत्रिमंडल से हटा दिया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। सरकार ने जोशी के इस्तीफे को मंजूर कर अगले फैसले तक उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी को यूपी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। मोदी की सरकार आने के बाद बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी की जा रही है। एक ओर जहां मोदी सरकार राज्यपालों से इस्तीफे ले रही है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को राजभवन भेजने की भी तैयारी कर रही है। महंगाई मुक्ति दिलाने का दावा करने वाली मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कमजोर मानसून के असर से बचने के उपाय सरकार कर ही रही थी कि इराक में संकट गहराने से कच्चे तेल के दाम उछाल मारने लगे हैं। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने मंगलवार शाम राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि वो जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यूपी के सुल्तानपुर जल निगम में रिबोरिंग के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। सपा के विधायक ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री समेत विभाग के मंत्री से की है। वहीं विभाग के अधिकारी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। गुरुवार को बिहार में राज्यसभा का उपचुनाव है, इसे लेकर सूबे की राजनीति तेज हो गई है। मंगलवार को आरजेडी और जेडीयू ने विधायक दल की बैठक की और कई अहम पहलुओं पर चर्चा भी की।
जेडीयू में बगावती सुर के बीच बैठक में दल के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अखिलेश सरकार के राज्य में अधिकारी भी बेलगाम हो गए हैं। ताजा मामला आजमगढ़ के अजमतगढ़ ब्लॉक का है, जहां लाखों रुपए के सरकारी धन को हड़पने के लिए जिला मत्स्य अधिकारी खुद खड़े होकर छोटे छोटे बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं। सूबे की समाजवादी सरकार के बेलगाम अधिकारी इन बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं और इसके बदले में इन्हें 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक मजदूरी भी दी जा रही है। जरखुन्नी सब फरुआ कुल साफ करवाए थे। इसके कहने पे ये साहेब कल्याण है। कितना पैसा मिला उसके बदले? 100 रुपया दिए। अच्छा, आपसे नहीं बताया गया कि मतलब ये बच्चों से? इन बच्चों की उम्र महज 9 साल से 13 साल की है। जब अधिकारी से इस बाबत पूछा गया तो उनकी दलील कुछ और ही थी। ये तो एक आध साल चलता रहता है जी। कानून के शिकंजे में आप जब जाएंगे तो आप कहेंगे कि चलता रहता है। जब यहाँ लेबर नहीं मिल रहे हैं। बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण में भारी अनियमितता बरतते जाने के विरोध में मेयर और वार्ड पार्षदों ने जिला प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। 23 जून को सभी वार्ड पार्षदों ने धरना देने का फैसला किया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो कार्ड का वितरण किया जा रहा है उसमें काफी अनियमितता है, काफी त्रुटियां हैं, इसी के लेकर हम लोग। कांग्रेस के चिंतन शिविर में जमकर हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने कहा कि उन्होंने उपद्रव करने वाले कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट मांगी है। गठबंधन से कांग्रेस के संगठन को कोई फायदा नहीं पहुंचा है, लेकिन गठबंधन के सवाल पर पार्टी हाईकमान को अंतिम। प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया है। रामपुर की रहने वाली मुन्नी देवी ने आजम खान पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और आरोप लगाया था कि चुनाव में वोट नहीं देने पर आजम खान ने जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर उनके मकान को गिरवाने की कोशिश की है। मुन्नी देवी के नाम से एक रिट याचिका दाखिल की गई थी जिसमें ये एलिगेशन माननीय मंत्री मोहम्मद। लखनऊ में तहसील दिवस पर मंत्री शिव प्रताप यादव ने जनता की समस्याओं को सुना। मौके पर जिलाधिकारी एसएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तहसील दिवस के मौके पर औचक निरीक्षण करने के दौरान मंत्री जी को ढेरों कमियां दिखाई दी। यहाँ पर आए इसके मतलब इनको न्याय नहीं मिला तो इनको न्याय दिलाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि। रुपौली विधानसभा से जदयू विधायक बीमा भारती मंत्री बनने के बाद पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया पहुंचने के बाद मंत्री के तेवर बदले बदले नजर आए। बीमा भारती ने कल्याण छात्रावास का निरीक्षण किया और बिजली की समस्याओं को लेकर अधिकारियों पर जमकर बरसे। पूर्णिया जिला बिजली के मामले पूरे परेशान है इसलिए कि एनडीआरएफ के डीजी महबूब आलम वाराणसी पहुंचे और वाराणसी के डीएम से मुलाकात की और वाराणसी में एनडीआरएफ कंपनी स्थापित करने की बात भी कही। अप्रूव कर रखा बनारस को एक लोकेशन की जहां पर बनारस में पूरी एक कंपनी रहेगी जिसमें तीन टीमें होती हैं जो हर प्रकार के आपदा से निपटने के लिए सक्षम है। इस सिलसिले में चर्चा हो गई है, ये जगह दे रहा भी आइडेंटिफाई हो गया है और अगले वीक तक यहाँ टीम पहुँच जाए। देश की अन्य नदियों जैसी कृष्णा नदी भी अब दूषित हो गई है। शामली से होकर गुजरने वाली कृष्णा नदी का जल अब प्राण घातक हो गया है। नदी के आसपास बसे हुए गांव में भयंकर जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। इसका सबसे ज्यादा असर शामली के गांव चंदे मालाल माल पर पड़ा है। ये नदी कई कैंसर समेत संक्रामक बीमारियों का घर बन चुकी है। यहाँ से लोगों की माने तो कई लोग इसके दूषित पानी से अपनी जान तक गंवा चुके हैं। अच्छा कैंसर इतने हो, कैंसर में मर रहे जितने मर रहे यहाँ से। मच्छर इतने ज्यादा हो रहे पक यहाँ टीबी हो रही सबको और पथरी। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड के लोगों ने सोचा होगा कि उनके अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन 14 साल तक राजनीति तो बहुत हुई लेकिन यहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को आज तक
साफ पानी भी नसीब नहीं हुआ है। कई तो पानी ही पीते हैं, हम लोग बहुत तकलीफ है, यही तो पानी नहीं पीते तो। आजसू समर्थित मेयर प्रत्याशी बरसा को रांची फैंस क्लब ने अपना समर्थन दिया है। एक कार्यक्रम में कांग्रेस समर्थन देने की बात भी कही। रांची नगर निगम की आम जनता एक एक मूलभूत सुविधा के लिए आज त्रस्त है। यहाँ आज रोड की बात आए या नाली की बात, बिजली पानी हर चीज से हम। हरियाणा सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए एक निजी संस्था के साथ करार किया है। माइकल एंड सुजान डेल फाउंडेशन नाम की संस्था से हुए समझौते का उद्देश्य प्रदेश के सभी 15,000 सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की शिक्षा के स्तर में सुधारने के लिए आवश्यक बदलाव लाना है। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस का कहर बढ़ता जा रहा है। हर रोज मेडिकल कॉलेज में औसतन 30 मरीज भर्ती हो रहे हैं और मौत भी लगातार जारी है, इससे डॉक्टर भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। मंत्री हैं, उनसे उम्मीदें तो बहुत हैं। दिक्कत यह है कि उनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। जो प्रिवेंशन इसमें मेन बात है कि ये भी। वाराणसी पुलिस ने सारनाथ में छापा मारकर 15 ड्रम अवैध देशी शराब बरामद की है। पुलिस ने अवैध शराब के साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ट्रक में लदी शराब को आजमगढ़ ले जाया जा रहा था। जफा किया गया तो क्या कोई बिजली नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई भी निकल पाइए, फिर रफ्तार भी किया गया और 4 व्यक्ति लोग मौके पर ठीक हुआ। मध्य प्रदेश में पन्ना के हीरा धारित क्षेत्र ब्रजपुर के नजदीक एक जल संस्थान के निर्माणाधीन तालाब में भारी मात्रा में गिरेबल यानी हीरे की चाल मिली है। इसकी भनक प्रशासन को लगी तो इस चाल की जांच कराई गई, इसमें हीरा होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से प्रशासन ने इसे संरक्षित कर दिया है। खुदाई में कुछ ऐसी ग्रेवल मिली थी जिसमें डायमंड डिपॉजिट हो सकते हैं, इसलिए ऐसी 3,000 घन मीटर हमने जब्त किया है और उसकी जब्त की विधिवत नीलामी की घोषणा की गई है, जिसकी 18 तारीख में। पूरे उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी के बीच कई जगहों पर हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है। सुहाने मौसम के नजारे के बीच लखनऊ में रिमझिम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तापमान 26 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। पीलीभीत में बीजेपी व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष के भाई के खेत में काम करने के दौरान गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई, पुलिस ने इस घटना को जमीनी रंजिश बताया है। चला रहा था, गन्ने के प्यार निकाल रहा था, उसी बीच में वो लोग आके दिल्ली गए थे और उसके बाद वो लोग हवा में गया, दो पैर और किए, इसके बाद निकल। यूपी में एक बार फिर पुलिस की बर्बरता सामने आई है। जौनपुर के बरसठी थाने में एक बुजुर्ग को पहले तो जमकर पिटाई की गई, पिटाई से बुजुर्ग बेहोश हो गया। तो बैठा लिया रात को और फिर रात में हमको बहुत मारा पीटा और फिर हमको बोलने भी नहीं दिया, हम बेहोश हो गए आधा घंटा और आधा घंटा के बाद में हमको पानी की जरूरत थी, पानी भी नहीं पीने। झांसी के अतपेई गांव में दलित युवक को जिंदा जलाए जाने के मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा और राजनीति भी लगातार तेज हो रही है। झांसी में एसटी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल पुनिया पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना जाहिर की। आगरा बदमाशों ने अहमदाबाद से पटना जाने वाली अजीमाबाद एक्सप्रेस में लूटपाट को अंजाम दिया। 3 से 4 हथियारबंद बदमाश जनरल बोगी पर पहले से सवार थे और जैसे ही गाड़ी तेज हुई बदमाश यात्रियों को मारने लगे और उनसे पैसा छीनने लगे। दो चार का गुंडा और मार के सभी को पैसा छीनने लग गया। कितने लोग थे वो लोग? वाराणसी के हकुलगंज क्षेत्र में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, पुलिस जांच में जुट गई है। सूचना पुलिस को मिली है, हम लोग उसमें पहचाना। झारखंड के चितरंजन स्टेशन पर एक महिला पर तेजाब से हमला किया गया। हमले में महिला बुरी तरीके से घायल हो गई, घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इलाहाबाद के शिवकुटी थाने इलाके में आरटीआई की छात्रा ने अपने साथी छात्रों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है और अपने साथी पर शादी का झांसा देकर 6 साल तक यौन उत्पीड़न करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। बराबर शोषण करता रहा, पहले तो नशीली पदार्थ खिला के किया, उसके बाद शादी का झांसा देकर मुझे 5 साल तक शोषण मेरा करता रहा और अभी इस टाइम में बोल रहा है कि पीड़िता और आरोपी ये 2009 से परिचित थे। पीड़िता ने बताया है कि शादी का झांसा दे। बिहार के विक्रमगंज में नाबालिग ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। नाबालिग से गांव के एक युवक ने बलात्कार किया जिससे आहत होकर नाबालिग लड़की ने अपनी जान दे दी। पीलीभीत में जमीनी विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी। मामला पूरनपुर थाना इलाके के भगवंतापुर गांव का है जहां जमीन बंटवारे के बाद भी बड़े भाई ओम प्रकाश ने छोटे भाई चंद्र प्रकाश की हत्या कर दी। पिताजी घर पर ही रहा करता था उस दिन, उससे कुछ बात नहीं थी। वो बोला हमको थोड़ी मारेंगे, जब मुझसे कोई बात नहीं हुई है तो हमें नहीं मारेंगे उसको। कल पुलिस समस्त तथ्यों की गहराई से छानबीन कर रही है। मथुरा के वृंदावन कोतवाली थाना इलाके में खनन माफियाओं पर नकेल कसने के मकसद से पुलिस की टीम ने पानी गांव और सुनरक इलाके में दबिश देकर 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी मशीन जब्त की है।